हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सैमसंग का ऑन 7 प्रो। फ्रेंड, ये सैमसंग का ऑन 7 प्रो है जिसमें FRP लॉक लग गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें FRP लॉक लग गया, मतलब गूगल अकाउंट लॉक लग गया है। तो आज मैं इसका गूगल अकाउंट बाईपास करके आपको दिखाऊंगा, तो मेरी वीडियो को देखते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, शिवो मोबाइल टेक प्लस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टार्ट पर टाइप करेंगे, यहाँ ओके करेंगे और इस फ़ोन से एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर लेंगे। अगर आपके घर में कोई दूसरा फ़ोन है तो उसमें हॉटस्पॉट स्टार्ट करके इस फ़ोन से वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर ले, ताकि इस फ़ोन पर इंटरनेट चालू रहे। अगर आपके घर में कोई दूसरा फ़ोन नहीं है तो आप इस फ़ोन में सिम कार्ड लगा के भी नेट चालू कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर दिया है। अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ टर्म एंड कंडीशन पर टिक किया हुआ है, नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ एग्री कर देंगे। यहाँ पर 2 मिनट लगेगा, आपको वेट करना है। मैं अपनी वीडियो को थोड़ा भगा दिया हूँ। अब यहाँ पर Gmail ID मांग रहा है। यहाँ पर वही Gmail ID मांग रहा है जो इस फ़ोन में लास्ट टाइम यूज हुआ था। अगर वही Gmail ID पासवर्ड आपको पता है तो यहाँ पर लॉगिन करें, आपका फ़ोन यहीं से खुल जाएगा। पर वो Gmail ID पासवर्ड भी मुझे पता नहीं है, और आप नेक्स्ट करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो क्या करेंगे, चलिए हम लोग बैक आ जाते हैं और बैक आएंगे, यहाँ वाईफाई नेटवर्क तक आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर किसी और नेटवर्क पर हम लोग टैप करेंगे, किसी भी एक नेटवर्क पर टैप करेंगे। अगर नहीं दिखाएगा तो आप एक और फ़ोन का हॉटस्पॉट खोल सकते हैं, तो दिखाने लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पर कोई भी एक दूसरे नेटवर्क पर टैप करते हैं, वाईफाई नेटवर्क। यहाँ टैप कर दिए। अब यहाँ पर हम लोग को कुछ लिखना है, पर ये शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर शो पासवर्ड कर देंगे। ठीक है, अब दिख रहा है। अब इसे हम लोग सिलेक्ट करके रखे रहेंगे। ठीक है, इस तरह से खुल गया। अब यहाँ पर देखिए, गूगल आपको दिख रहा है, इस पर हम लोग टैप कर देंगे और यहाँ पर वेट करेंगे। देखिए, खुल गया गूगल। अब यहाँ नीचे में आपको दिख रहा है नो थैंक्स, इस पर टैप कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्रोम। चलिए फटाफट टैप कर लेते हैं। ठीक है, क्रोम लिख लिया। अब यहाँ क्रोम दिख रहा है आपको नीचे में, इस पर टैप करेंगे तो हम लोग का क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग के सामने में क्रोम ब्राउज़र ओपन हो चुका है। यहाँ एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर टैप करेंगे, यहाँ नो थैंक्स कर देंगे। अब यहाँ हम लोग को गूगल सर्च पर टैप करना है। अब यहाँ पर लिखना है हम लोग को VN ROM। चलिए फटाफट हम लोग टाइप कर लेते हैं VN ROM और सर्च कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर VN ROM का वेबसाइट आपको सबसे ऊपर में दिखा रहा है, इस पर हम लोग टैप करेंगे। अब यहाँ पर VN ROM का वेबसाइट खुल चुका है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ ये ऐड आ रहा है, इसे कट कर देंगे। थोड़ा नीचे जाएंगे, ठीक है, और थोड़ा नीचे जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है Android 6 GAM APK, इस पर हम लोग टैप कर देंगे। ये ऐड आ रहा है, इसे हम लोग क्रॉस करके हटा देंगे। ठीक है, ये खुल गया। एक बार खाली बैक करेंगे यहाँ से। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं Android 6 GAM APK। यहाँ पर ओके कर देंगे, यहाँ अलाउ कर देंगे। देखिए ओके का ऑप्शन नीचे में दे रहा है, इसे ओके करते साथ ये एप्लीकेशन डाउनलोड होने लगा। हो गया डाउनलोड, पर यहाँ पर अभी हम लोग वो ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम लोग को एक एप्लीकेशन यहाँ पर और डाउनलोड करना है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे, अब यहाँ पर आपको दिखेगा FRP Bypass APK, इस पर टैप करेंगे और इसे भी ओके करके डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, डाउनलोड हो गया। अब हम लोग यहाँ पर ओके नहीं करेंगे। अब हम लोग को यहाँ पर देखना है कि डाउनलोडर कहाँ है।
या थ्री डॉट पे टैप करेंगे, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शंस नहीं दिखा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग एक बार बैक करेंगे और थोड़ा ऊपर जाएंगे। ठीक है, ऊपर आ गए। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा सैमसंग माई फाइल, इसे हम लोग ओपन करेंगे। अब हम लोग के सामने में सैमसंग का फाइल मैनेजर खुल गया है। यहाँ पर देखिए हम लोग का दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है, दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एंड्रॉयड 6 GAM APK को इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ सेटिंग में जाके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल होने के लिए अलाउ कर देंगे। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन को हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर समय लग रहा है, वेट करेंगे। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। यहाँ पर इसे ओपन नहीं करना है, यहाँ सिर्फ डन कर देना है। ठीक है, अब हम लोग को FRP बाईपास वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। ठीक है, इस पर टैप करेंगे और इसमें भी सेटिंग में जाके इंस्टॉल होने के लिए अलाउ कर देंगे और ओके कर देंगे और इसे इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, यह एप्लीकेशन भी अब इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पर वेट करेंगे। ठीक है, अब इसे हम लोग यहाँ ओपन कर लेंगे। ओपन हो गया। अब यहाँ ऊपर में आपको 3 डॉट दिख रहा है, इस पर हम लोग टैप करेंगे और ब्राउज़र साइन इन पे टैप करेंगे और ओके करेंगे। यहाँ 2 सेकेंड रुकेंगे। फ्रेंड, अब यहाँ पर एक नया जीमेल आईडी हम लोग लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास में कोई जीमेल आईडी है, पासवर्ड पता है, तो यहाँ लॉगिन कर ले। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नया जीमेल आईडी पासवर्ड भी बना सकते हैं। फिलहाल मेरे पास एक जीमेल आईडी पासवर्ड है, तो हम लोग यहाँ पर पहले आईडी लिख देते हैं और उसके बाद पासवर्ड डाल के इसे लॉगिन कर देंगे। यही जीमेल आईडी पासवर्ड से हम लोग का फ़ोन का FRP बाईपास होगा। यहाँ मैंने आईडी लिख दिया है और नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ अब यहाँ पर पासवर्ड डालने बोल रहा है, तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ पर पासवर्ड डाल लेते हैं। ठीक है, पासवर्ड डाल दिए तो यह खुद ब खुद लॉगिन होके खुद ब खुद बैक हो जाएगा। आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इसे इसी तरह छोड़ देंगे, ये खुद ब खुद लॉगिन होके बैक हो जाएगा। बैक हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, बैक आ जाना है। ठीक है, बस यहाँ वाईफाई नेटवर्क तक आना है। अब यहाँ से हम लोग को नेक्स्ट पे टैप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ भी नेक्स्ट करेंगे, यहाँ एग्री कर देंगे। यहाँ पर आपको 2 से 3-4 मिनट लगेंगे, तो इस प्रोसेस को होने दें। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है। थोड़ी देर के बाद हमारा फ़ोन जो है खुल जाएगा। फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। फ्रेंड, मेरे चैनल पर आपको मोबाइल से जुड़े बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, जिससे आप अपनी मोबाइल का प्रॉब्लम का सोल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड, मेरे चैनल पर जाकर आप अपने मोबाइल का प्रॉब्लम को ढूंढ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो ढूंढने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। वहाँ पर मैंने बहुत सारे लिस्ट बनाए हुए हैं, जिसमें से हार्ड रीसेट, FRP बाईपास, ऑनलाइन शॉपिंग, सिंपल ट्रिक, बहुत सारे ऐसे ग्रुप बने हुए हैं प्लेलिस्ट के, जिसमें आप अपना वीडियो को आसानी से खोज सकते हैं। या फिर आप मुझे कमेंट्स करके भी अपने सवाल को पूछ सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, तो कोई भी दिक्कत होने से आप कमेंट्स करें, हम आपका सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। अब हमारा फ़ोन जो है वो खुल रहा है। अब यहाँ पर जीमेल आईडी लॉगिन करने के लिए नहीं बोलेगा। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। बेल आइकन दबाने से आपको समय समय पर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फ्रेंड, मैं अपनी वीडियो को थोड़ा सा भगा रहा हूँ ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो,
और आपको यहाँ पर वेट करना है। अब यहाँ पर हम लोगों का अगला ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर डेट एंड टाइम सेट करनी बोल रहा है, तो मेरे को टाइम डेट सेट नहीं करना है। अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। इसका टच बहुत हार्ड है। अब यहाँ नोट नाउ करेंगे, यहाँ पर अनटिक करके इसे स्किप कर देंगे। अब यहाँ पर नीचे में टैप करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर नीचे एरो दिख रहा है, उस पर टैप करेंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पर स्किप का ऑप्शन आएगा, स्किप कर देंगे, यहाँ भी स्किप कर देंगे। अब यहाँ नीचे एरो पे टैप करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। टच थोड़ा सा ज़ोर से प्रेस करने से काम करता है। एग्री कर दिए या नोट नाउ कर देंगे। तो दोस्तों सेटअप कंप्लीट हो चुका है, यहाँ फिनिश पे टैप करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं हमारा फ़ोन जो है कंप्लीट FRP बाईपास हो चुका है, मतलब गूगल अकाउंट बाईपास हो चुका है। तो फ्रेंड इसी तरह से हम लोग इस फ़ोन का गूगल अकाउंट बाईपास करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।